हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा टॉपिक होगा दैट इज लेजर हेयर रिमूवल। यस, अगर आपके चेहरे के ऊपर बाल हैं गैर जरूरी, या आपके बॉडी हेयर बहुत ज्यादा हैं, या जनरली आप बॉडी हेयर से बहुत तंग हैं और आप उनको हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। सो दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान, यू एट माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। वी हैव आर एस्थेटिक क्लिनिक्स इन ट्विन सिटीज ऑफ पाकिस्तान। अगर आपको किसी किस्म की सर्विसेज की जरूरत हो, लिंक्स विल बी प्रोवाइडेड हियर विद देयर एड्रेसेस। आज से बहुत साल पहले जब लोगों के गैर जरूरी बाल जिस्म के ऊपर आ जाते थे और बढ़ भी जाते थे, और साथ साथ चेहरे के ऊपर भी किसी हार्मोनल इशू की वजह से या कोई जेनेटिक एलिमेंट की वजह से या किसी कारीगरी की वजह से चेहरे के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते थे लड़कियों के, वो बहुत परेशान होते थे और वो चूज करते हैं थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ब्लीच या इस किस्म के मामला। इन सब चीजों को रिप्लेस करने के लिए फिर आया लेजर हेयर रिमूवल। लेजर हेयर रिमूवल इज द टॉप ट्रीटमेंट दैट इज बीन यूज्ड फॉर परमानेंट हेयर रिडक्शन। हाउ इट वर्क्स, लेजर हेयर रिमूवल एक कॉन्सेंट्रेटेड लाइट बीम को आपकी स्किन के कुछ ऊपर के सर्फेसिस के अंदर इमिट करता है। जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो स्किन की लेयर के नीचे होते हैं, वो उस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर साथ साथ आपके हेयर को और रूट को डैमेज करते हैं और उसको दोबारा निकलने से बचाते हैं। ओके, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द नेम्स ऑफ लेजर मैन्युफैक्चरर्स, इट्स अ सेपरेट सब्जेक्ट। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ लेजर हेयर रिमूवल, या वो लेजर जो हेयर रिमूवल के लिए यूज हो रही है, वो एक सेपरेट चैप्टर है। वी हैव IPL, वी हैव NDAG, वी हैव एलेक्सेंड्राइड, वी हैव डायोड, एंड देन देयर इज सर्टेन इक्विपमेंट्स जो किसी भी दो लेजर वेवलेंथ को एक हैंड पीस के अंदर कंबाइन करके इमिट कराते हैं, जैसे कि डबल वेव, ट्रिपल वेव, ये सारे। वो ट्रिपल वेव का मतलब है वो तीन वेवलेंथ, यानी लेजर की वेवलेंथ एक हैंड पीस के अंदर डिलीवर हो रही होती है। सो दिस इज बेसिकली द टाइप्स ऑफ लेजर हेयर रिमूवल यूज्ड। जो लोग लेजर कराते हैं उनको अंदाजा ये होगा कि ये लेजर करा रहे हैं लेकिन लेजर इफेक्टिव नहीं है। उसकी दो वजूहत हो सकती है, आइदर आपका जो डूअर है वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, नंबर टू आइदर जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है वो इतना स्टैंडर्डाइज नहीं है, और नंबर थ्री या तो वो ट्रीटमेंट के लिए जो लेजर ऑप्ट हो रही है, जो लेजर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। लेजर्स का जनरली आपके स्किन कलर के साथ बहुत ताल्लुक होता है। द डार्कर यू आर द लेसर ऑफ अ पेशेंट यू आर फॉर लेजर हेयर रिमूवल। बट हैविंग सेड दैट, कुछ लेजर टेक्नोलॉजीज हैं जो डार्कर स्किन टाइप्स के ऊपर बहुत इफेक्टिव है, जैसे कि IPL एंड NDAG, बिकॉज ऑफ देयर सेफ्टी एंड बिकॉज ऑफ देयर एफिकेसी ऑन द डार्कर स्किन टाइप्स और साउथ एशियन स्किन टाइप्स, इट वर्क्स बेस्ट, और ये काफी सारे क्लिनिक्स के अंदर मौजूद भी है। लेकिन इन्हीं लेजर्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जब आपका हेयर ट्रीट होता रहता है और थोड़े अरसे के बाद वो थिन या मीडियम थिन हो जाता है, उसके ऊपर NDAG या IPL काम करना बंद हो जाती है। कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिसके अंदर फर्दर मोड्स अवेलेबल हैं जो कि फर्दर थिन हेयर के ऊपर काम कर लेते हैं, लेकिन देन स्पेसिफिकली IPL एंड NDAG डोंट वर्क ऑन थिन और वेरी थिन हेयर। आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स कमिंग ओवर टू मी एंड देन सेइंग कि मेरे चेहरे पे बाल है, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट, वैक्सिंग और थ्रेडिंग की तरफ मैं जाना नहीं चाहते, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने गाइड किया है या मुझे कुछ डॉक्टर्स ने गाइड किया है कि आपके थिन हेयर है, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। सो बेसिकली व्हाट आई नीड टू टेल इज कि अगर आपके थिन हेयर है या बहुत थिन हेयर है, तो उसके लिए एक अपनी लेजर टेक्नोलॉजीज हैं जो आपके ऊपर इफेक्टिव होगी, विच मे इंक्लूड एलेक्सेंड्राइड, विच मे इंक्लूड डायोड, विच मे इंक्लूड क्यू स्विच। तो ये लेजर टेक्नोलॉजीज जो हैं, ये फाइन हेयर के लिए बहुत इफेक्टिव होती हैं। सो जनरली लेजर हेयर रिमूवल एंड्स अप इनटू परमानेंट हेयर रिडक्शन। जो लोगों का कॉन्सेप्ट है जनरली कि ये हमेशा के लिए बालों को खत्म कर देता है, इट डेफिनेटली हैपेंस विद सम ऑफ आवर क्लाइंट्स, बट साइंटिफिकली इफ यू से ये हमेशा के लिए बालों को कम कर देता है। बालों को कैसे कम कर देता है? बहुत कम हो जाते हैं। एक तो बाल आने का फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, या एज ए आप थ्रेडिंग करें, वैक्सिंग करें, एवरी थर्ड डे कर रहे हैं, हर महीने के बाद कर रहे हैं, या एवरी वीक कर रहे हैं, या 15 डेज कर रहे हैं। तो अगर आप लेजर कर रहे हैं तो आपके बाल जनरली महीने या डेढ़ महीने के बाद आते हैं, पहले से थिन होते हैं। नंबर ऑफ हेयर एंड थिकनेस ऑफ हेयर बोथ रिड्यूसेस विद टाइम। और फिर जब आप लेजर सेशंस करवाते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, उनका लेजर के सेशंस का दौरानिया भी बढ़ता जाता है। ठीक है, व्हाट शुड बी द जनरल टाइम जब सेशन रिपीट हो? द जनरल टाइम कैन बी समवेयर अराउंड 3 weeks to 6 weeks, बट ऑब्वियसली लेजर वर्क्स एट ओनली व्हेन योर हेयर इज इन एनर्जन फेज। एनर्जन इज अ ग्रोथ फेज। अगर आपके चेहरे के ऊपर बाल नहीं आ रहे, आपने कुछ सेशंस ले लिए हैं, नाउ यू डोंट हैव हेयर ऑन योर फेस, ऑन योर बॉडी, तो आपके लिए लेजर हेयर रिमूवल सेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो फिर आइडियली आपको लेजर तभी लेना है जब आप आइदर यू कैन सी द रूट्स कमिंग अप ऑन योर फेस, और एल्स आपको हेयर ग्रो करना शुरू हो जाए एंड देयर इज अ इंडिकेशन, तो फिर आप आके लेजर हेयर रिमूवल लें। फॉर अ प्रायर 6 to 8
sessions or 8 to 12 sessions. आपको अपना session जो है वक्त के ऊपर repeat कराना है, that can be after a month or 6 weeks time. So basically laser hair removal काम कैसे करता है कि जब आपकी वो concentrated light skin की सतह के ऊपर पड़ती है, वो आपके hair root जो आपकी skin की सतह के नीचे होते हैं, वो उस सारी light को absorb करते हैं, कुछ खास wavelengths होती हैं. The lasers or the light beams are specific to the pigment. आपका काला बाल है, उसके ऊपर laser will be effective. If it's a grey hair or it's a golden hair, तो laser की effectiveness नहीं होती. But obviously we have some other treatment options to treat your grey hair, unwanted grey hair या golden brown hair. तो उनको treat करने के लिए other options हैं, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह subsequently एक और episode record कर लेंगे. And we have that facilities available because you know, a lot of client come over to me saying कि क्योंकि मेरे ऊपर सफेद बाल हैं तो इसका इलाज मुमकिन नहीं है, I've been told. But नहीं, आपके सफेद बाल हैं, उसका treatment possible है. So what specific parts जहाँ पे laser use हो सकता है? Well, laser is pigment specific. अगर आपको चेहरे के ऊपर लेजर कराना है, काले रंग के बाल हैं, आप कर सकते हैं. नेक पे कराना है, अंडरआर्म पे कराना है, कवर्ड एरियाज पे कराना है, फुल लेग्स कराना है, फुल आर्म्स कराना है, बैक पे कराना है, फ्रंट पे कराना है. सो एनीवेयर यू हैव ब्लैक हेयर ऑन द बॉडी एंड यू डोंट लाइक देम, यू कैन गेट देम रिमूव्ड. देन हाउ मेनी सेशंस आर नीडेड फॉर लेजर? आई मीन इट वेरीज कि किस एज में आपको बाल आना शुरू हुए हैं, किस रेस से आपका ताल्लुक है, क्या आपका स्किन का कॉम्प्लेक्शन है और आपको कोई अंडरलाइंग इश्यूज तो नहीं है, या आप कोई ongoing medications पे तो नहीं है, और आपको कोई other comorbidities तो नहीं है, और आप sessions को कितने regular लेते हैं, और किन lasers के ऊपर आपकी lasers हो रही है. ये सारे factors मिल के decide करते हैं कि आपको कितने number of sessions चाहिए होंगे. Okay, we have a lot of clients जिनके laser sessions when they read it on Google or on the literature, the Google or literature tells them that आपको 8 से 10 sessions की जरूरत होगी. However, हमारे पास कुछ ऐसे भी clients होते हैं जिनके 2-3 दफा में खत्म हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके 8-10 दफा में नहीं खत्म होते, उनके नंबर ऑफ सेशंस समटाइम एक्सीड कर जाते हैं 8-12 से. वो क्यों है? बिकॉज देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ द ट्रीटमेंट. आपका स्किन डार्कर है, यानी व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम अ स्किन टाइप 1-5, तो यानी जितना आप 1 की तरफ हैं उतना आपकी स्किन गोरी है, उतना आपकी स्किन के अंदर पिगमेंट कम है, और जितना आप 5 की तरफ है उतना आपकी स्किन के अंदर पिगमेंट ज्यादा है. जितना आपकी स्किन के अंदर पिगमेंट ज्यादा होगा, लेजर की लिमिटेशंस उतनी ही ज्यादा होंगी. बिकॉज इसका ये मतलब नहीं कि लेजर आपके लिए है नहीं इफ यू फॉलिंग इन स्किन टाइप 3-5, बट उसके लिए लेजर की सिलेक्शन और लेजर की लिमिटेशन मुख्तलिफ होंगी. बिकॉज लेजर इज पिगमेंट स्पेसिफिक. अगर आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन के अंदर पिगमेंट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जब आप एनर्जी थ्रो करते हैं लेजर की, लेट्स स्पेसिफिकली 1-3, हो सकता है वो सेफ हो. लेकिन अब अगर आप उस एनर्जी को एक्सीड करेंगे 8-10, बिकॉज आपकी स्किन का भी पिगमेंट है, उसने भी वो लाइट एब्जॉर्ब करनी है और उसने भी हीट होना है, तो बर्न आने का अंदेशा होता है. और अगर आपको ऑब्वियसली डार्कर स्किन टाइप्स पे लेजर के साथ बर्न आए, तो इवेंचुअली पिगमेंटेशन बनने का प्रॉब्लम आता है. इसलिए ये लिमिटेशन होती है, और इसीलिए समटाइम कुछ स्किन टाइप्स के ऊपर नंबर ऑफ सेशंस बढ़ाने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ लेसर एनर्जीज वी आर अलाउड टू यूज ऑन डार्कर स्किन टाइप्स. और व्हेन यू टॉक अबाउट फेयर स्किन टाइप्स, definitely results are a lot better on fairer skin type with thick black hair, because uske andar laser ki energy ki limitation kam hoti hai, aur fir obviously jab aap achhi energy ke upar laser karte hain to results bhi bahut acche aate hain aur burn ka andesha bhi nahi hota. Generally speaking, laser ke baad agar halka pulka burn aa bhi jaye, it's very easily treatable. Agar aapko aa jaye, aap 1-2 din ke andar doctor ko visit kare, they might give you some topical medications, aapka wo theek ho jayega. So what are the pre and post care of the laser hair removal? Pre care mein main zarur include karungi ki aap apna sar प्रोटेक्शन किया करें, बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा धूप में जा रहे हैं, आपकी स्किन टैन हो चुकी है, तो लेजर एनर्जी की लिमिटेशन हो जाएगी. लेकिन अगर आप फेयर स्किन टाइप हैं, तो आपकी लेजर एनर्जी की लिमिटेशन उतनी ज्यादा नहीं होगी. यू कैन चूज अ हायर एनर्जी फॉर लेजर हेयर रिमूवल, विच विल सब्सिक्वेंटली एंड अप इन बेटर रिजल्ट्स. तो सन ब्लॉक जरूर पहना करें, और जब आपने लेजर हेयर रिमूवल के लिए कंसल्टेशन के लिए आना हो, या आप अपने सेशंस करवा रहे हो, तो ड्यूरिंग द सेशंस और बिफोर कमिंग टू द डॉक्टर, अपने बालों को बढ़ने दें. थ्रेडिंग, वैक्सिंग और ब्लीच वगैरह या ट्वीजिंग वगैरह ना करें. आफ्टर इट्स नॉट सो मच, लेकिन यह है कि जब आपका लेजर हो जाए, आपका स्किन के ऊपर हल्के पुल्के को बम्प्स आ जाएं या कोई रेडनेस वगैरह जाए, उससे इशू नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है. इट विल सेटल विद इन 24-48 hours. पोस्ट केयर में भी यह है कि अपनी जो हीलिंग क्रीम्स हैं उनको लगाएं 2-3 days. सन प्रोटेक्शन लाजमी करें, और आफ्टर लेजर सेशन अपने 4-5 hours के लिए स्किन को कम्प्लीटली ड्राई रखें, ताकि आपके पोर्स क्लॉग ना हो जाए पानी पड़ने से और एक्ने डेवलप ना हो जाए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ द प्रोसीजर इज डन. द प्रोसीजर वेरीज कि कौन सा प्रोसीजर आपका हो रहा है.
रहा है. एज इन IPL वर्क्स एंटायरली डिफरेंट, NDAG वर्क्स एंटायरली डिफरेंट, Alexandrite वर्क्स एंटायरली डिफरेंट, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट डायोड एंड डबल वेव एंड ट्रिपल वेव वो बहुत मुख्तलिफ लेजर्स हैं. सो व्हेन यू टॉक अबाउट IPL एंड डायोड, जनरली करने का तरीका कार यही होता है कि अगर आपके स्किन के ऊपर बहुत थिक डेंस हेयर है तो हल्का सा शेव कर लेते हैं, शेवर के साथ उतार लेते हैं ताकि आपको बर्न वगैरह ना आ जाए, और उसके बाद अ लिटिल ऑफ अ जेल इज अप्लाइड ताकि आपका स्किन के ऊपर जो पेनिट्रेशन है लेजर की वो अप्रोप्रिएट हो सके, और उसके बाद लेजर की ट्रीटमेंट किया जाता है, प्रोसीजर को किया जाता है, और उसके बाद व्हेन द लेजर इज डन ऑल ओवर द रिक्वायर्ड एरिया उसके बाद वो जेल को क्लीन कर दिया जाता है और हीलिंग क्रीम लगाई जाती है, और फिर आपको डॉक्टर कुछ हिदायत देता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है. व्हेन यू टॉक अबाउट NDAG एंड Alexandrite, जनरली उसके अंदर वो जेल और यू नो दिस स्पेसिफिकली जो स्किन के साथ प्रोब अटैच हो जाता है वो लेजर उस तरह नहीं होती. NDAG, Alexandrite एंड Q-switch इज जनरली डन फ्रॉम अ डिस्टेंस फ्रॉम अ स्किन विद अ डिस्टेंस गेज, और जेल वगैरह यूज नहीं होता, बट ऑब्वियसली प्रॉपरली क्लीन किया जाता है फेस को. अगर थिक हेयर है और डेंस है उनको थोड़ा बहुत शेव करके कम किया जाता है, और फिर दिस इज हाउ द प्रोसीजर इज डन. जनरली जब आपका लेजर ट्रीटमेंट हो जाए बाल इमीडिएटली नहीं गिरते, डिपेंडिंग ऑन व्हाट लेजर ट्रीटमेंट यू हैड आपके बाल गिरते हैं. जैसे कि IPL NDAG अगर आपने कराया है 7 to 8 days के अंदर शेड करते हैं, अगर आप डायोड करा रहे हैं तो इट दे मे टेक 12 to 15 days, और अगर आपका Q-switch है तब भी 10 to 12 days लग सकते हैं. सो डोंट वरी अगर आपका लेजर सेशन हो गया, उससे आप वरी ना करें कि मैंने लेजर करा लिया मेरे बाल नहीं गिरे, बिकॉज दिस इज अ जनरल टाइम जब बाल गिरते हैं आपके, बट ऑब्वियसली अगर आप शेवर या सेफ्टी वगैरह पहले यूज कर लें तो वो बाल आपको स्किन के ऊपर नजर नहीं आते, बट ऑब्वियसली जो हेयर का फॉलिकल डेड हो रहा है और हेयर गिर रहा है वो इट विल टेक 8 to 10 days. एनी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स? सो जनरली लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स तो कोई खास नहीं होते, दो तीन चीजें होती हैं कि अगर आपको कोई निशान आ गया या कोई सुर्खी आ गई या कोई बर्न मार्क आ गया या कोई दाने निकल आए तो वो ऑब्वियसली आप अपने डॉक्टर को रिपोर्ट बैक करते हैं, वो सेटल हो जाता है. इसके अलावा एक इशू आता है लेजर के साथ, पैराडॉक्सिक हेयर ग्रोथ, यानी अगर आपका लेजर शुरू हुआ है उसके साथ कराने के बाद आपके बाल बढ़ना शुरू हो गए हैं. नाउ इट कैन बी बिकॉज ऑफ टू रीजंस. वन, इट कैन बी induced by laser hair removal itself, और हो सकता है कि आपने लेजर अपना जब शुरू कराया हो तो आपके बाल चेहरे पर हो ही थोड़े और वो ग्रेजुअली आ रहे हो, सिंस लेजर आपके बालों को बढ़ने से नहीं रोकती, लेकिन लेजर सिर्फ उन्हीं बालों पे इफेक्ट करती है जो आपके चेहरे पे ऑलरेडी हो. सो कोई भी इशू आए, फॉल बैक टू योर ट्रीटिंग फिजिशियन, दे कैन गाइड यू, दे हैव अ बेटर नॉलेज टू डिलीवर इट टू यू. आप आमतौर पर देखने में ये आता है कि जब आप कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आपको जो गाइड करने वाले लोग हैं आइदर देयर योर सोशलाइट्स, आपके घर के जो अफराद हैं या आपके नेबरहुड है या आपके जो फ्रेंड्स हैं, ऑब्वियसली दे आर नॉट एज क्वालिफाइड एज डॉक्टर्स आर, तो इट्स बेटर दैट यू टेक द एडवाइस फ्रॉम द राइट पर्सन, बिकॉज अदरवाइज आप परेशान हो जाते हैं, और एक ऐसी फैसिलिटी जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है आने वाले वक्तों के लिए उसको उस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए बैन कर देते हैं. व्हेन यू कंपेयर अनवांटेड हेयर रिमूवल स्पेसिफिकली फ्रॉम द फेस, अगर आप थ्रेडिंग कर रहे हैं, वैक्सिंग कर रहे हैं, ट्वीजिंग कर रहे हैं या ब्लीच कर रहे हैं, जो आपको सोशली जो आपको ट्रॉमा लेना पड़ता है, बिकॉज वी सी अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स ऑन डेली बेसिस, और जब क्लाइंट हमें आके बताते हैं कि हम बाहर कहीं पे भी नहीं जाते, कोई शादी अटेंड नहीं करते, किसी पार्टी पे नहीं जाते, हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं हम अपने आप को छुपा लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो डेली थ्रेड करना और वैक्स करना इज जनरली नॉट पॉसिबल, तो वो व्हाट दे डू इज दे हाइड देमसेल्फ्स. सो ये जो सारा आप इस कैफियत से जो आप जो गुजर रहे होते हैं, क्यों? बिकॉज एक तो थ्रेडिंग वैक्सिंग रोजाना करना है, शेविंग रोजाना करना है, ब्लीच रोजाना करना है, तो उससे आप बच जाते हैं. एटलीस्ट जब आपने हेयर रिमूवल लेजर के लिए ऑप्ट कर लिया तो जो भी है आपको जितने भी सेशन में रिजल्ट आ रहा है राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेशन, आपके बाल दोबारा महीने या 1.5 महीने के बाद ही आएंगे. सो एक इस स्ट्रेस में और इस फियर में कि कोई घर में ना आ जाए, कोई इन्वाइट ना कर ले मेरे चेहरे पे बाल हैं, उससे आप पहली दफा में ही निकल जाते हैं. एंड ऑब्वियसली थ्रेडिंग वैक्सिंग ब्लीचिंग इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर दिस, तो वो आने वाले वक्तों में जब आपकी स्किन एज करती है और ढीली हो जाती है और बाल सफेद हो जाते हैं और आपको दिखना बंद हो जाता है, इट गेट्स टू बी मोर टीडियस टू मैनेज दोज फेशियल हेयर. और फिर जब आप ग्रे हेयर के साथ आते हैं तो फिर आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस वेरी करता है, फिर आपको लंबे चौड़े ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है. इससे बेहतर है कि इस ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस को पहले चूज करें. इट्स अ ह्यूज फैसिलिटी फॉर ऑल दोज पेशेंट्स हु हैव फेशियल हेयर. फिर इसके अलावा जब आप यानी व्हेन यू कंपेयर दीज प्रोसीजर्स विद लेजर हेयर रिमूवल इन लॉन्गर टर्म, जल्दी या थोड़ा देर से उसने आपके चेहरे के ऊपर बाल खत्म कर ही देने हैं. नो मैटर हाउ मेनी सेशंस, ऑलवेज चूज अ लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट, बट गो टू अ राइट प्लेस with the right technician, with the right treating physician, because there's a lot of equipment that is not up to the mark,
और वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं देते, जिसकी वजह से भी लोग बड़ा मायूस हो जाते हैं और हमारे क्लाइंट्स कहते हैं कि यू नो हमने पहले लेजर्स कराए और हमें तो कोई रिजल्ट्स नहीं आए. दिस इज बिकॉज यू हैवंट डन योर रिसर्च प्रॉपरली. डू योर रिसर्च प्रॉपरली, आपके लिए कौन सी लेजर बेहतर है, कौन सा लेजर मैन्युफैक्चरर है जो आप लेजर यूज कर रहे हैं. व्हेन यू टॉक अबाउट अस, वी हैव ऑल सॉर्ट ऑफ लेजर फैसिलिटीज अवेलेबल स्टार्टिंग फ्रॉम IPL, NDAG, Alexandrite, Q-switch, डायोड, डबल वेव, ट्रिपल वेव, ये सारे लेजर हेयर रिमूवल टेक्नोलॉजीज हमारे पास मौजूद हैं. और ये हमारे पास इसलिए मौजूद हैं बिकॉज हर फेशियल हेयर के पेशेंट को या हर उस मरीज को जिसके बॉडी पे अनवांटेड हेयर है या फेस के ऊपर अनवांटेड हेयर है या किसी भी हेयर को वो रिमूव करना चाहता है, तो हर लेजर हर क्लाइंट के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. इट शुड बी द राइट लेजर टेक्नोलॉजी फॉर द राइट पेशेंट विद द राइट हेयर, तो फिर आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स आते हैं. वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन इज, जब आप वैक्सिंग और थ्रेडिंग और ब्लीच कर रहे होते हैं, वैक्सिंग और ब्लीच आपके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन के बनने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है. आप वैक्सिंग और ब्लीच भी कर रहे हैं और आपके चेहरे पे आप आस्ता आस्ता छाया भी पड़ रही हैं. सो वैक्सिंग और ब्लीच तो इसीलिए आई डोंट रिकमेंड. अदरवाइज वैक्सिंग करने से आपकी स्किन जब पुल होती है उसके पोर्स बढ़ जाते हैं और फिर वो आपको चूंकि बहुत फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है, लाइक आफ्टर अ वीक और आफ्टर एवरी 3-4 डेज, तो ऑब्वियसली उसका डिजास्ट्रस इफेक्ट होता है ऑन स्किन. व्हेन यू डू थ्रेड, थ्रेड के साथ एक तो रोजाना करना है, ट्रॉमा है, इट्स कॉजिंग अ फ्रिक्शन अगेंस्ट योर स्किन, और फिर रोजाना करना है और फिर एक्नी आ सकती है, एंड देन इट्स वेरी टीडियस टू डू इट डेली और काफी पेनफुल भी होता है. व्हेन यू टॉक अबाउट लेजर हेयर रिमूवल, लेजर हेयर रिमूवल जनरली जो आजकल डिवाइसेस आ गई हैं, बड़ा एक लेस पेनफुल ट्रीटमेंट है. आई वॉन्ट से पेनलेस बिकॉज यस, पेन का थ्रेशोल्ड हर क्लाइंट का अपना होता है. कोई पेन को लेके कंफर्टेबल होते हैं, लेस पेन को टॉलरेट कर लेते हैं, और कोई का पेन का थ्रेशोल्ड बड़ा कम होता है, वो थोड़ी बहुत पेन के ऊपर भी बड़ा फील करते हैं इंटेंसिटी. तो उसके लिए अगर आप बिल्कुल इसको पेन फ्री रखना चाहते हैं एट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, यू कैन आस्क योर ट्रीटिंग फिजिशियन कि आप हमें नम क्रीम्स लगा दें. नम क्रीम माइट कॉस्ट सेपरेट दैन द लेजर्स, बट येस वो आपको तकरीबन ट्रीटमेंट को पेन फ्री कर देते हैं. हाउ इट्स डन, आपका जो नम क्रीम है वो तकरीबन ट्रीटमेंट करने से 25-30 मिनट्स पहले रिक्वायर्ड एरिया के ऊपर लगा दी जाती है, उसके बाद क्लीन करके लेजर किया जाता है और वो तकरीबन कुछ मिनट फ्यू मिनट्स के लिए वो नम रहता है स्किन और उतने मिनट्स के अंदर आपका लेजर ट्रीटमेंट डन हो जाता है. सो हाउ वी कंक्लूड इट, इट्स एन एक्सेलेंट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. अगर आपको किसी भी जिस्म के हिस्से से अनवांटेड हेयर रिमूव करने हैं, इससे बेहतर ट्रीटमेंट चॉइस नहीं है आपके पास अवेलेबल, और इस फैसिलिटी को जरूर अवेल करें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस. इफ यू लविंग आवर कॉन्टेंट, और अगर आपको हमारा कॉन्टेंट हेल्पफुल लग रहा है, consider subscribing it. Thank you.